हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी मेडिसिन में। और आज हम बात करेंगे वोमिवर्ड टेबलेट के बारे में। इसके क्या क्या यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, प्रिकॉशन हैं और इससे आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, वोमिवर्ड टेबलेट मैग्नेट मैनकाइंड ग्रुप की बेस्ट टेबलेट है। इसकी प्राइस है 80 रूपए 52 पैसे पर स्ट्रिप। इसका कंटेंट्स है सिनेराजिन 20 mg और डिमेनहाइड्रिनेट 40 mg। इस टेबलेट का यूज आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। यह टेबलेट आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इस टेबलेट का बेस्ट यूज वर्टिगो में किया जाता है। वोमिवर्ड टेबलेट एक एंटी हिस्टामाइन ग्रुप की दवा है। अगर किसी को चक्कर आते हैं या मेनियर रोग यानी कान के अंदर आवाज आना, कान बजने की समस्या है या फिर मतली या उल्टी हो रही है, तब इस टेबलेट का यूज आपके लिए काफी फायदेमंद है। और अगर आपको सफर के दौरान उल्टी होती है, सिर चकराता है, जी घबराता है या फिर चक्कर आते हैं, तब भी आप इस टेबलेट का यूज कर सकते हो। मोशन सिकनेस, वर्टिगो एंड वेस्टिबुलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के साथ साथ यह टेबलेट हार्ट एंड ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर में भी दी जाती है। यानी अगर आपको कभी दिल या रक्त परिसंचरण जैसे विकारों की प्रॉब्लम रहती है या हो जाती है, जो कि नाड़ी के कम हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम होती है, तब भी बहुत सी बार डॉक्टर्स इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इस टेबलेट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये टेबलेट MD फॉर्म में आती है, यानी ये माउथ डिसॉल्विंग टेबलेट है। अगर कोई भी मरीज किसी भी कारणवश इस टेबलेट को निगल नहीं पा रहा है, तब इस टेबलेट को जबान पर रख के भी यूज लिया जा सकता है। जबान पर रखने से ये टेबलेट मुंह में ही घुल जाएगी। वहीं बात करें इस टेबलेट के सावधानियों की, तो अगर आप पार्किंसंस रोग, पोरफायरिया, लीवर या गुर्दे की बीमारियों के रोगी हो तो इस टेबलेट का यूज ना करें। और अगर कोई 5 वर्ष से छोटा बच्चा है तो उसे भी ये टेबलेट नहीं देना है। इसके साथ ही अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी है, तो वो सभी इस टेबलेट का यूज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वहीं बात करें इस टेबलेट के डोज की, तो इस टेबलेट को खाने से पहले या बाद में एक एक टेबलेट सुबह शाम लिया जा सकता है। और अलग अलग बीमारी या अलग अलग मरीजों के अनुसार इस टेबलेट का डोज चेंज हो सकता है, तो आप इस टेबलेट का यूज डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। वहीं बात करें इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की, तो इस टेबलेट के जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो है ड्राउजीनेस, वजन बढ़ना, थकान या कमजोरी महसूस होना और मुंह सूखना। इनके अलावा भी अगर आपको कोई अदर साइड इफेक्ट नजर आए तो इस टेबलेट का यूज बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।